चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले की, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक हत्या की गुत्थी को सुलझाने का काम किया है, जहां प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी द्वारा पति की हत्या करने का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि 10 तारीख को भंडारा के वैनगंगा नदी के किनारे एक युवती की बोरी में लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद भंडारा क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीम ने मृतक के जेब से मिले पहचान पत्र से मृतक की शिनाख्त की थी। जेब में मिले पहचान पत्र में मृतक का नाम नंद किशोर बताया गया, जो गोंदिया जिले का निवासी बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस को मृतक की पत्नी पे शक हुआ, जिसके बाद मृतक की पत्नी से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अपना गुनाह कबूल करते हुए पुलिस को उन्होंने बताया कि उसने अपने प्रेमी रामेश्वर के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। भंडारा पुलिस स्टेशन के तहत 10 दिसंबर को ऐसी खबर प्राप्त हुई कि एक पुरुष का डेड बॉडी मिला है कोरंबी गांव के नज़दीक नदी के किनारे पे। तो जैसे ही खबर मिली तो पुलिस अधीक्षक वसंत यादव सर, उनके आदेश से मैं खुद और यहाँ के सभी ऑफिसर हम तुरंत जगह पे गए, और जैसे हमने डेड बॉडी का मुआयना किया, घटना स्थल का मुआयना किया, तो हमको ध्यान में आया कि इसमें कुछ तो भी मर्डर के जैसा प्रकार है। तो तुरंत हमने उसमें तफ्तीश शुरू कर दी, और उसमें हमको ऐसा पता चला कि जो मयत है उसके पैंट में, उसके जो कपड़े हैं उसके पैंट के पॉकेट में एक लेदर का वॉलेट मिला था। उसमें जो फोटो और कुछ कागज़ थे उससे हमने उसकी पहचान कर ली। उसका नाम नंद कुमार रांगडाले निष्पन्न हुआ है, और उसमें जब आगे हमने और तफ्तीश की तो हमको ध्यान में आया कि उसकी बीवी और उसका जो दूसरा सहकारी था काम के ठिकाने का, उनके बीच में कुछ अवैध अनैतिक संबंध है। उसके चलते उसकी बीवी और उसके और दो साथियों ने ये अवैध संबंधों के, अनैतिक संबंधों के बीच में नंद कुमार का आडसर हो रहा है। इसके इसके इसलिए उसको ख़त्म करने का उन्होंने प्लान रचा, और उसको अंजाम देने के तहत भंडारा ज़िले के ही लाखनी के सालेभाटा एरिया में उसका मर्डर किया गया।